देखो भी, मैं तो सच्ची बात है, मैं समझ के आया था भी कहीं कोई मैगजीन जा, पर जो कलसी साहब हैं पंजाब गवर्नमेंट में तो आईएएस के रहे ही रहे लंबा टाइम, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट में ही वॉज जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एंड आफ्टर दैट ही वॉज इन पंजाब चीफ सेक्रेटरी. नहीं, यू नो दैट आफ्टर जो आईएएस ऑफिसर, उनका अलग एक आपने सोच देखी होगी या सुना हो, या बहुत लोग डील भी करते होंगे. बट वेन एवर आई गॉट अ टाइम टू विजिट मिस्टर कलसी, तो अपने ऑफिस में उस टाइम भी, बाकी काम डिस्टर्ब नहीं, लेकिन आफ्टर 5 PM ही यूज टू सिट विद हिज कंप्यूटर साइड पे, तो 4-4 घंटे. मैंने कहा जी बाकी आईएएस ऑफिसर तो अभी गोल्फ खेलने चले गए, तो बाकी तो ये एक तरीके से आज भी मैं, जो स्पीकर्स हैं अलग अलग हमारे, पहले भी मेरे कजन लुधियाना से सिस्टर थे, वो तो मेरा सबसे पहले तो मैं, सबसे पहले हमारे प्रदीप गुप्ता जी, सुबंधु पारस जी, उन्होंने मुझे मौका दिया यहां आने का. पर बाकी कलसी सब सब ठीक है, लेकिन आज ज्यादा इंटरनेशनल भी नए बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये रहता है. क्या इसका मतलब वर्ल्ड लेवल में, दुनिया मार्केट में भी इधर रोल पूरा रहेगा? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूं सर. सर, आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मुझे याद है जो हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंस की, तो ऑस्ट्रेलिया से टीम आती थी और वो कहते थे कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े ऊपर हैं, और जो डिस्कशन में बैठते थे वो इक्विवेलेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन करते थे. तो इस बार उनके मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर उनके आए, जो उनके यूनियन मिनिस्टर थे, और अपनी पूरी टीम लेकर के आए, उनके साथ रेगुलेटर थे सारे, वो भी आए. और जब उन्होंने अहमदाबाद में डिस्कशन किया, इधर से हमारे मिनिस्टर भी थे और हमारी तरफ से भी पूरी टीम थी, तो उनको मैंने ये एक स्पेशल प्रेजेंटेशन किया. उनकी टीम ने ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद पूछा कि इसमें से कितना इम्प्लीमेंट हो गया, तो हमने उनको बताया कि इसमें इतना पोर्शन इम्प्लीमेंट हो गया, बाकी पे काम चल रहा है. अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि ऐसा सिस्टम अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बना जो स्कूल एजुकेशन को हायर एजुकेशन के साथ स्किल को बीच में रख के जोड़ दे. नहीं बना हुआ वहां, स्किल एजुकेशन अलग है, स्कूल एजुकेशन अलग है, एंड नाउ दे वॉन्ट टू बोरो फ्रॉम दिस. सिमिलरली फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर के साथ बात हुई, वहां भी सेम बात उन्होंने करी. थैंक यू. गुड, थैंक यू जी. मुझे यही, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. पर कलसी साहब बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के यहाँ से लोग बैठे हैं, आई थिंक वो बड़ा कुछ लेके जाएंगे. और मैं अभी बात कर रहा था, जैसे आपने कहा भी डॉक्टरेट, आज प्लम्बर की बात कर लो, इलेक्ट्रिशियन की बात कर, तो एक स्किल जब डिग्री होगी उसके पास, तो उसका महीना ही बदल जाएगा, मतलब ही बदल जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा. सर्टिफाइड तो 100% यू राइट, बट जमाना भी उसका. आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ यू आर डूइंग बहुत ज्यादा काम कर रहे हो आप, तो ऐसे ही MSME और प्राइम मिनिस्टर की ये सोच ही है कि किस तरीके से हम तकरीबन 4.1 करोड़ यूथ को इसके बीच में 5 साल में लेके आए. और ITI तकरीबन 1000 ITI, जिससे आपकी जिम्मेवारी है, आपने जोड़ना है,
बहुत अच्छा लगा, पर मैं नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी जैसा ये यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, वी मस्ट डू इन सम रूरल या सी सिटीज में, टाउन्स में, व्हेरेवर यू स्टे सर। हाँ, यू हैव टू प्रॉमिस मी भी आपको वहाँ ज़रूर चलना होगा क्योंकि बहुत ज़रूरत है वहाँ। तो थैंक यू, मुझे आपने मौका दिया, जस्ट केम फ्रॉम पार्लियामेंट, चल ही रहा है, तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो जो भी यू जस्ट आस्किंग मी फॉर टाइम फॉर डिसबिलिटीज दिव्यांग, मैं बिल्कुल हाजिर रहूँगा उसमें भी, कभी भी आप जो हुक्म करेंगे मेरे लिए वो बड़ी सौभाग्य और खुशी होगी। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं आपका भी मैं अपनी तरफ से भी वेलकम करता हूं, और बहुत कुछ, क्योंकि जो कलसी साहब जैसे लोग जिनको रिटायरमेंट के बाद भी वही पैशन में देखा, उससे भी ज़्यादा, तो बाकी भी जो आए होंगे पार्टिसिपेंट उनके भी अंदर यही सोच होगी कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो यंग जनरेशन पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो वी हैव टू डू समथिंग, हम सब इकट्ठे होकर ही अगर कुछ ना कुछ करेंगे तो तभी कोई रास्ता जो है, क्योंकि हर कोई ये कहता है भी हमारे देश में हमारी पॉपुलेशन ही पावर है, पर उसको लेकिन राइट ट्रैक पे राइट विजन के साथ उसे काम पे लगाना, वो आप हम सब लोग की जिम्मेवारी है। इन्हीं शब्दों से वंस अगेन मैं गुप्ता जी और सारी टीम का आई एम ग्रेटली थैंक।